अंजलि के एक्सीडेंट का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अंजलि स्कूटर को रफ्तार से चलाती नजर आ रही है और वही रास्ते में खुले हुए मैन होल से टकराती है और उछलकर स्कूटर समेत काफी दूर तक गिर जाती है। ये 16 जुलाई 2022 का एक सीसीटीवी फुटेज है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अंजलि स्कूटर को रफ्तार से चलाती नजर आ रही है और रास्ते में खुले हुए मैन होल से वो टकरा जाती है और उछलकर स्कूटर समेत काफी दूर तक गिर जाती है। तो 6 महीने पहले का ये सीसीटीवी वीडियो है। 16 जुलाई 2022 का ये सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। आप देख पा रहे किस तरीके से अंजलि यहाँ पर स्कूटर चलाती हुई नजर आ रही है। तेज रफ्तार में वो आई, मैन होल से टकराई और उछल कर आगे गिर गई। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, लेकिन 6 महीने पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है, यानी कि 16 जुलाई 2022 का। तो आपको बता दें, ये 6 महीने पहले का सीसीटीवी फुटेज है। इस पूरे मामले को लेकर 16 जुलाई 2022 का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें अंजलि स्कूटर पर बैठी हुई है, स्कूटर को तेज रफ्तार से चला रही है, मैन होल से टकराती और आप देखिए स्कूटर समेत उछलकर आगे गिर जाती है। ने पुतिन के सीज फायर के ऐलान को एक बहाना बता दिया। उनका कहना है कि पुतिन यूक्रेन के जोरदार पलटवार से त्रस्त हो चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने 36 घंटे के लिए सीज फायर की घोषणा कर दी। बाइडेन का यह बयान तब आया जब पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाने के लिए पहली बार युद्ध विराम का आदेश दे दिया, क्योंकि 7 दिसंबर को ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस मनाएंगे और रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय की अच्छी खासी आबादी है और इसी वजह से पुतिन ने 6 जनवरी की दोपहर 12 बजे से लेकर 7 जनवरी रात 12 बजे तक यानी 36 घंटे के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। माना जा रहा है कि पुतिन ने यह फैसला अपने आध्यात्मिक गुरु पैट्रियार्क किरिल के कहने पर लिया है, जो पुतिन के कट्टर समर्थक बताए जाते हैं। लेकिन यूक्रेन ने रूस के सीज फायर के ऐलान को पाखंड बता दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोतलियाक ने यह दावा किया कि रूस जंग हारने के करीब पहुंच चुका है और इसीलिए पुतिन ने सोची समझी साजिश के तहत सीज फायर का ऐलान कर दिया ताकि रूसी सेना को संभलने और पुतिन को अपनी ताकत जुटाने के लिए कुछ समय मिल जाए, क्योंकि यूक्रेन की सेना लगातार रूसी फौज पर जोरदार पलटवार कर रही है। यहां तक कि जेलेंस्की की फौज रूस के अंदर भी घुसकर पुतिन की सेना पर हमले कर रही है और यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना के प्रहार से पुतिन घबरा गए हैं। जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोतलियाक ने ट्वीट कर रूस पर यह आरोप लगाया कि पुतिन की सेना ने यूक्रेन में आम लोगों को निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन की सेना ने सिर्फ रूसी सैनिकों को ढेर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि सबसे पहले रूस को यूक्रेन की कब्जा की हुई जमीन छोड़नी चाहिए, उसके बाद ही उसे सीज फायर का ऐलान करना चाहिए था। और यूक्रेन का यह भी आरोप है कि इससे पहले उसने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के लिए युद्ध रोकने की मांग की थी, लेकिन तब रूस ने उसकी मांग ठुकरा दी थी। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस में पुतिन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है।